बहुत अच्छी बात है कि एक लेजेंड ने आपका नाम रखा बिल्कुल और मैडम खुशबू जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बिल्कुल और ये लकीली मैं आपको मुबारक देता हूँ इस बात की। खैर मुबारक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप थिएटर या कभी फिल्म का भी दिल किया करने को, कभी कोई ऑफर ऐसा कोई सिलसिला मैंने नाज़रीन को प्लीज़ आप बताएं। जी, ऑफर्स तो आई, लेकिन ये है कि थिएटर के काम इतना मशगूल थे कि फिल्म लाइन में फिर ज़्यादा जो है ना टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि ये हमारा रेगुलर और बेसिक काम हमारा थिएटर का है। तो फिर इससे इसको अगर हम अवॉइड करते हैं ना, तो फिर वो सिस्टम ख़राब होता रहता है। तो मुझे फिल्म की ऑफर्स आई थी, पर तब मैं आउटडोर थी पेंडिंग, तो इस वजह से फिर मैंने नाम कर दी। अच्छा, नहीं फिल्म तो खैर जो इस वक्त सूरत हाल है इंडस्ट्री की, मैं नहीं समझता कि आपको आना भी चाहिए, नए लोगों को भी आना चाहिए, और आपको ऑफर्स भी हुई, बेहतर है, ठीक है। तो कोई स्टेज में आपने कोई तब्दीली 5 साल में देखी? नहीं, थिएटर में तो कोई तब्दीली नहीं, बट ठीक है, जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हमारा जो है वो रिजक का ये सिलसिला इसी से चलता है, तो जहाँ से आपको रिजक मिलता हो उस जगह को मैं ही समझती हूँ कि बुरा नहीं कहना चाहिए। काफ़ी लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि जिसके हम इंटरव्यूज़ देखते हैं, वो इस जगह से ही कमाती हैं, इस जगह से उनका घर चलता है, इस जगह से उनके बच्चों का, उनके जो पीछे फैमिलीज है वो सारा कुछ उनका मैनेज होता है, लेकिन बाद में वो इसी फील्ड को बुरा कह रही है। वैसे आपस की गल है, कोई कम हो रही सी लपा इस तो अलावा? बात ये है, मुझे ना शुरू से नाचने गाने का बड़ा शौक था। नहीं, एक तो वो होते हैं ना बाथरूम सिंगर, वो तो चले हमने भी सुने हैं, मैं भी गलती से कभी कभी ये काम कर लेता हूँ। नहीं, तुसी कितने बाथरूम डांसर तो नहीं? नहीं, मैं बाथरूम सिंगर भी हूँ, लेकिन डांसर मैं स्टेज ही की। अच्छा खुशी, ये बताएं कि नए लोगों को भी चाहत होगी, उमंगे होंगी, नई लड़कियां भी स्टेज पे आना चाहती हैं और आ भी रही हैं, आप क्या समझती हैं और क्या देखती हैं अपने 5 साल एक्सपीरियंस में, क्या नई लड़कियों को आना चाहिए थिएटर वाली लाइन में या नहीं आना चाहिए? बात ये है कि अगर हम किसी को मना करेंगे ना, तो उन्होंने हमारे मना होने पे मना हो जाना है, और ना ही हमारे कहने पे किसी ने आना है, ठीक है। तो उनकी अपनी मर्जी है, बाकी वो अगर फील्ड में आना चाहती है तो आ सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है काम। तो ये दिलदार ऑफिशियल चैनल जो है, ये मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूँ, ये दिलदार परवेज भट्टी साहब एक टीवी कंपेयर होते थे, जी, ये उनके नाम का चैनल है ओके और ओके ये आर्टिस्टों के लिए ही मैंने बनाया है, और आर्टिस्टों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ। आप कुछ इस चैनल के बारे में बात करना चाहिए? जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लेजेंड्स के जो नाम है वो आप जिंदा रख रहे हैं। दूसरी बात यही कि बहुत अच्छा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हमारी भी अपडेट्स मिलती रहेंगी और आप हमारे साथ भी जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।